नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं मक्के की खेती के बारे में। हम सब मक्के की खेती तो करते हैं, लेकिन सही विधि किसी को पता नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसका आप उपयोग करेंगे तो आप 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मक्का की खेती करने के लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए, खेत कैसे तैयार करना है मक्का बोने के लिए, और जानेंगे मक्का बोने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है, और जानेंगे प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे अंतर्वर्ती फसल के बारे में। अंतर्वर्ती फसल मतलब कि आप मक्के के साथ में बीच में कौन सी फसल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ कि इसके लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, मक्के की खेती हम विभिन्न प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको मक्के का बहुत अच्छा उत्पादन चाहिए तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें बहुत ही अच्छा मक्के का उत्पादन देखने को मिला है। मक्का के उत्पादन के लिए जो मिट्टी का हमारा पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और विशेष बात इसमें है कि जिस भी जगह पे किसान मित्र हमारे मक्का लगा रहे हैं वहाँ पर जल का भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जल का निकलना, जो बारिश की वर्षा होती है वहाँ पर पानी अच्छे से निकल जाए तो भी उस जगह पे मक्का का उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी तो आपने बताया मिट्टी के बारे में, तो क्या खेत को भी तैयार करना पड़ता है इसके लिए? जब हम एक सही विधि से हमारी खेत की तैयारी करेंगे, अच्छे से उसमें जो हमारा कल्टीवेटर है या फिर बखर है, हल मार के यदि हम मिट्टी को तैयार करेंगे, उत्पादन अच्छा मिलने वाला है। इसके लिए आप हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको एक कल्टीवेटर, हल या बखर, जो भी किसान के भाई के पास है, उसको मारना चाहिए। उसको मारने के बाद उसमें हमको 5 से 8 टन, मतलब 5 से 8 टन के बीच में हमको गोबर खाद डालनी पूरे खेत में, अच्छे से बिछाना है। उसके बाद में एक कल्टीवेटर और मारना है, जो थोड़ा दबा के मार दे, थोड़ा गहरी जुताई करना चाहिए, वो मिट्टी में मिल जाए, हाँ, ताकि अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। लेकिन इस कंडीशन में भी यदि आपके खेत में डिमले, जिसको हम डीमा निकल गए, तो या खरपतवार भी थोड़ा है, गेहूँ के जो अपने नरभाई वगैरह है, तो उसमें आप एक रोटोवेटर चला दें तो आपकी जो मिट्टी है किसान भाई की, वो पूरी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाए, मतलब खेत कंप्लीट तैयार हो जाए। हाँ, कंप्लीट तैयार कर लेना चाहिए तो अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। अच्छा, अभी हमको देखने को मिलता है कि जो किसान भाई है इनको अभी यही सही से पता नहीं कि कितने दूरी पे मक्का बोना चाहिए, अपनी घाड़ से घाड़ की दूरी क्या रखनी चाहिए, इसकी भी कोई विधि है या फिर ऐसे अंदाजे से ही चलना है? नहीं, बोने का भी एक प्रॉपर विधि है, क्योंकि यदि हम सही विधि से लगाएंगे नहीं, सही दूरी पे हम क्यारी से क्यारी की दूरी से मेंटेन नहीं रखेंगे तो उत्पादन हमको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए क्या है ना, पहले तो हुआ किसान भाई को एक समय का ध्यान देना है कि जो खरीफ का मौसम होता है, जैसे वर्षा स्टार्ट होती है, कभी कभी बारिश लेट भी होती है, जून के एंडिंग तक आती है, तो उसके लिए हम कह नहीं सकते। लेकिन यदि हमारी बारिश टाइम पर आती है, जैसे 5 जून को आ जाती है, तो बोनी हमारी 10 जून से 15 जून के बीच में हो जानी चाहिए, तब एक अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकता है। ये तो हो गया हमारे बारिश के समय बोने का समय। इसके अलावा भी वर्ष में 3 बार किसान भाई खेती कर सकते हैं मक्का की। जैसे कि रबी की सीजन में यदि कोई किसान भाई करता है तो अक्टूबर नवंबर महीने उसके लिए बेस्ट होता है। गर्मी के सीजन में भी मक्के की खेती आजकल हो रही है, तो फरवरी और मार्च महीने भी आप बोनी करके मक्का की खेती आप कर सकते हो। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए बोने का समय है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमको प्रॉपर तरीका से बोने की विधि। इसके लिए क्या करना है ना, किसान भाई अगर सीड्रिल माध्यम से बोनी कर रहा मक्का की, तो उसको 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखना है, और मक्का से मक्का की जो दूरी है, मतलब बीज से बीज की, वो रखना है 20 सेंटीमीटर से 28 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आजकल हमारे किसान भाई बेड विधि से भी बोनी कर रहे हैं, कोई 2.5 फीट में निकालता है, कोई 3 फीट में निकालता है, आजकल कोई 4 में भी बोने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो अभी सबसे ज़्यादा करंट में चला है और सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिल रहा है, उसके लिए किसान को 3 फीट की जो बेड विधि है उसको निकालना चाहिए, और उसमें मक्का दोनों तरफ लगते हैं, तो उस विधि से भी यदि किसान भाई मक्का की बोनी करता है तो एक अच्छा बेहतर उत्पादन ले सकता है। अभी जो आपने बताया कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसमें 1 एकड़ में कितना बीज लग जाएगा? इसमें कुछ डिपेंड करता है, वैरायटी वाइज भी डिपेंड करता है। हाँ। कि कुछ वैरायटी के बीज जो होते हैं वो मतलब थोड़े बारीक होते हैं, कुछ के मोटे होते हैं, तो इसमें फिर भी एक हम एवरेज बताते हैं कि 6 से 8 केजी तक बीज हमको 1 एकड़ में बोना चाहिए, जो संकर किस्म का आ रहा है। अच्छा।
वो इतना मात्रा हमको प्रति एकड़ रखनी चाहिए। अभी तो ये सब जाना, अभी खाद के बारे में हमको बताओ कि खाद क्या डालना है, कितनी डालना है और कौन कौन सी डालना है। हाँ, खाद का भी एक अहम रोल है, क्योंकि शुरू में हमने जाने थे कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया था कि 5 से 8 टन के बीच में आपको गोबर खाद डालनी चाहिए, वो डाल। लेकिन इसके साथ हमारी कुछ रासायनिक खाद भी हम यदि डालते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। इसके लिए अभी क्या है ना, हमारे किसान भाई कोई DAP मिलाता है, यूरिया भी उसमें मिला देता है, राखा खाद भी मिला देता है, इस प्रकार से रख देता है। मतलब एक अंदाजा क्या बोलते हैं हम, एक तुक्का टाइप चल रहा है। लेकिन सही मात्रा हमें क्या चाहिए, सही मात्रा के लिए तो हमें किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरी मिट्टी में नाइट्रोजन कितना कम है, फास्फोरस कितना कम है, पोटास कितना कम है। तो फिर भी वो सबसे बेस्ट विधि है कि मेरा pH मान कितना था मिट्टी में, यदि वैसे हम यदि डालते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन किसान भाई नहीं करा पा रहा है मिट्टी परीक्षण, नहीं क्या, वो तो करवाते ही नहीं है, करवाते ही नहीं, कराना चाहिए। क्योंकि हम जब खेती कर रहे हैं तो अभी अगर नहीं कराया तो फिर क्या, नहीं कराए तो इसके लिए एक अच्छा फार्मूला है जो कई किसान भाई, जो शिक्षित किसान भाई है वो कर रहे हैं, तो मैं भी बताना चाहूँगा कि किसान भाई इसको अपनाएं। नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमको 30 kg रखनी है, पोटास इसमें रखनी है हमको 25 kg और फास्फोरस रखनी इसमें हमको 25 kg और एक आता है जिंक सल्फेट जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारी पौधे की ग्रोथ के लिए, उसको 10 kg मिला लेना है। इन सबको जब आप मक्का लगा रहे हैं उस समय आपको डालकर अगर आप लगाते हैं हमारे किसान भाई, ये प्रति एकड़ का बता रहे ना, हाँ ये प्रति एकड़ के लिए, अगर आपके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक हाथ किसान भाई कोई भी डालकर लगाता है तो उसको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अच्छा, इसमें मक्का के साथ में हम जो आप बता रहे हैं कि मक्के से मक्के की दूरी इतनी और लाइन से लाइन की दूरी इतनी, तो बीच में जो गैप बचा है क्या उसमें हम फसल डाल सकते हैं कोई और? हाँ, हम अंतर्वर्तीय फसल बो सकते हैं, लेकिन किसान को इसके लिए थोड़ा पहले प्लान करना पड़ेगा। हाँ, 2 फीट में करेगा तो मैं मानता हूँ कि संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगी। 3 फीट में भी संभव नहीं है। इसके लिए अगर कोई लाइन टू लाइन 4 या 5 या 6 फीट की यदि मक्का की बोनी आदमी करता है, यदि किसान भाई प्लान करता है, तो उसके बीच में जैसे कि सोयाबीन है और हमारे अरहर है, मूँगफली है, और भी हमारे तिलहन जो फसल आती है, मूंग है, उड़द है, इस प्रकार की फसल को भी किसान भाई बो सकता है। इससे हमको डबल बेनिफिट मिल जाता है कि मक्का भी हो जाता है और हमारी जो अंतर्वर्ती फसल है वो भी अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब वो अंतर्वर्ती फसल करता है तो उसमें किसान भाई को निंदाई करवानी पड़ेगी। हाँ, उसमें निंदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मक्का की कुछ कीटनाशक दवा जो है छिड़काव की वो अलग होती है और सोयाबीन की अलग होती है, तो उसमें निंदाई का हमें अलग से मजदूरी का कॉस्ट देखना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अभी जो हमने विधि अखिलेश भाई से जानी है, अगर आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो आप 1 एकड़ में 35 से 40 क्विंटल मक्का निकाल सकते हैं, और साथ में जो अंतर्वर्ती फसल हमने बताई अगर उनको भी लगाना चाहते हैं तो उनका लाभ अलग से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम उस पर रिसर्च करके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट में आप लिखो, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।